YouTube चैनल। आज हम बनाने वाले हैं यूपी और बिहार का फेमस स्नैक्स छोले और समोसे। सबसे पहले छोले को 8-10 घंटा पहले भिगा लेंगे। हमने छोले को 8 घंटा पहले भिगा लिए थे। अब इसको हम कुकर में इसको उबालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी, मैं 1 चम्मच घी डालेंगे, इसमें 1 तेज पत्ता। घी से इसमें चिकनाहट आएगा, एक में एक चिपकेगा नहीं और बढ़िया से उबल जाएगा, और तेज पत्ते से इसकी खुशबू आएगी। ना कोई सोडा ना कोई नमक, इसमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे और 1 सीटी लगाएंगे, फ्लेम पर रखेंगे। जब ये सीटी देने आएगा तो इसको मीडियम कर देंगे, 1 सीटी ही लगाएंगे। जब तक हमारा मटर उबल रहा है तब तक हम समोसे की तैयारी कर ले रहे हैं। हम समोसे के लिए मैदा गूंद लेंगे, उसके बाद हम समोसे का मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, इसके लिए हम 1/2 चम्मच अजवाइन, हमने लिए हैं 1/2 चम्मच अजवाइन, ये है 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी। अब इसको हम मिक्स करेंगे, तो हल्के हल्के हाथों से मसलेंगे, और मसलने के बाद इसको हल्के पानी से ऐसे छिड़क छिड़क करके भूनेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में पंजाबी समोसे का रेसिपी आपको बताई थी। ये जो समोसे हमारे हैं नॉर्मल समोसे हैं। मैदा गुन गया है, अब इसको ढक देंगे। कवर कर लेंगे, ऐसे कवर करके रख देंगे। तब तक हम आप समोसे का मसाला तैयार कर ले रहे हैं। मटर जो है उबल गया है, अब इसको बंद कर देंगे। सबसे पहले समोसे का मसाला बनाएंगे, इसके लिए मूंगफली को भून लेंगे हम। इसके लिए 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसके बाद मूंगफली को इसमें डालेंगे। अब हमारा मूंगफली जो है तो रेडी हो गया है, भून के तैयार हो गया है। अब इसके बाद समोसे का मसाला बनाएंगे। मसाला बनाएंगे इसके लिए हम डालेंगे पहले सरसों का तेल, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे जीरा, हमने जीरा डाल दिया है, जीरा हमारा लाल हो गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में पंजाबी समोसे की रेसिपी डाली थी। जीरा के बाद हम डालेंगे सबसे पहले हरी मिर्ची, इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, लहसुन का पेस्ट, छोटी चम्मच गरम मसाला भून लेंगे। हमने आलू को उबाल लिया है, उबाल करके छील लिया है। अब इसको कट कर लेंगे ऐसे।
हमारा आलू कट हो गया है, अब आलू को मिला लेंगे। डालेंगे स्पेशल घर का बना हुआ मसाला। डालेंगे थोड़ी धनिया, स्वाद अनुसार नमक, ऐसे मिला देंगे। हमारा समोसे का मसाला जो है तैयार हो गया है। बाद हम छोले बनाएंगे। छोले बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे तेल। हमने सरसों का तेल डाला है। इसके बाद डालेंगे हम दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, और दो लाल मिर्च, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चौकी हुई प्याज। पहले हम थोड़ा प्याज को भून लेंगे, प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। नहीं बनाने के लिए प्याज को इतना ही भूनना है, ज्यादा भूनने से प्याज काला हो जाएगा। एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, पीसी हुई लहसुन का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, डालेंगे हम पीसी हुई टमाटर का प्यूरी। इसको थोड़ा भूनेंगे कि जब तक तेल ना छोड़ दे। जब हमारा मसाला भून जाएगा तेल छोड़ देगा। डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। भुना गया है, हमारा मसाला का तेल सब छोड़ दिया है, रेडी हो चुका है मसाला हमारा। अब इसमें डालेंगे हम छोला। अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी पानी डालेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए पकाएंगे कि अच्छे से मसाला
मिक्स हो जाए। छोला पक रहा है तब तक हम समोसे को भर ले रहे हैं। समोसे को लिए बेलेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी, चिपक जाएगा जो हमने आपको बताया भी है। अब इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। समोसा हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम ऐसे बैठा देंगे। हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे। बनके तैयार हो गया है। छोला हमारा ऐसा है क्योंकि समोसे के साथ खाना है इसलिए इतना पतला रहेगा। छोला हमारा इतना पतला रहेगा क्योंकि समोसा जो है ना ये रस को सोख लेगा। अब हमने समोसे को भर लिया है, अब हम इसको तलेंगे। पकाएंगे क्योंकि ज्यादा तेज आंच पे पकाएंगे ना तो समोसे तेल पी जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। अब हमारा समोसा कितने अच्छे से तैर रहा है, कितने बढ़िया लाल हो गए हैं। अब इसको निकालेंगे। समोसे जो है कितने खसखस बने हुए हैं देखिए। अब इसको सब सर्व करके दिखाएंगे। अब इस पे डालेंगे हम पहले छोले, उसके बाद डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज थोड़ी सी, इसके बाद डालेंगे थोड़ी हरी मिर्ची,
इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा चने दाल, इसके बाद डालेंगे ये नवरत्न, इसके बाद आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी।